हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे साथ है गुड्डी काकी। और तो अभी हम चल पड़े हैं समर हिल से नीचे से परे को एडवांस स्टडी के लिए, क्योंकि आज हमने प्लान बनाया है कि हम जाएंगे एडवांस स्टडी तक। तो जिस और यहाँ के लिए जो रास्ता है वो मैं बता दूँ आपको। अगर ओल्ड बस स्टैंड से आना है तो चौड़ा मैदान के लिए टैक्सी या बस लेकर आना होता है, और बाकी समर हिल से सीधा परे रास्ता दिखाती हूँ। आगे ऐसे चलते चल जाओ, चलते जाओ। ये जो है मतलब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पैदल चल के। अगर आप लोगों ने आना है टैक्सी में तो आ सकते हो, मतलब हम कंफर्टेबल है कि हम चल के जाएं। चुप नहीं आ सकते आप अभी। तो ये देखो सुंदर वादियाँ शिमला की, बढ़िया से। मैं तो भूल गई आपको बताना कि ये गुड्डी क्या कर रही है मेरे साथ। इसका पिछले कल एग्ज़ाम था तो हमने सोचा कि इसको एक दिन यहीं पे रखते हैं और एक दिन जाएंगे यहाँ पे नज़दीकी कहीं घूमने को। तो हमें समर हिल से सबसे नज़दीक यही लगा एडवांस स्टडी, बाकी तो काफ़ी दूर है। तो इसलिए हम जा रहे हैं आज इसके साथ। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। एज यू कैन सी अब हम जाएंगे यहाँ से अंदर को। और दोस्तों यहाँ से जैसे ही आप एडवांस स्टडी के गेट के पास अंदर को एंटर करते हो तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 400 मीटर है, क्योंकि नीचे बताया गया था हमें गेट के पास अंकल ने। तो अब हम चल रहे हैं। तो दोस्तों और यहाँ से आपको एक गेट इस साइड को भी मिलेगा, ये वाला गेट। तो इसमें हमने नहीं जाना है, हमने आगे को चलना है। यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स अंग्रेज़ों के ज़माने की है, मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स। हाँ बाकी वहाँ पे जाके दिखाएंगे, बताएंगे सब कुछ। दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं एडवांस स्टडी के पास, और यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ का और यहाँ पे ऊपर हम लेंगे टिकट्स। और दोस्तों यहाँ पे हमने टिकट जो है ले लिया है, अब जाएंगे हम। और यहाँ देखो फॉरनर्स। चलिए एंटर करते ही एडवांस स्टडी में जो है यहाँ का दृश्य इतना सुंदर लगता है, मनमोहक, दिल को छूने वाला। मतलब सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए एक बार। अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारत, सुंदर इमारत। और इसके इतिहास मतलब इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो 1888 में वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन के लिए इसको बनाया गया था, और इसे बोलते हैं वॉइसरॉय लॉज भी। और इसमें खास बात यह है कि जो इसको बनाने का स्ट्रक्चर है, इसकी शैली है, इसको बोलते हैं इंडो गॉथिक शैली। डिज़ाइन इसको डिज़ाइन करने वाला हेनरी इरविन था। एंट्री पॉइंट के पास जब आप लोग वहाँ पे टिकट लेते हो तो मतलब जो इंडियंस हैं उनको कम और जो फॉरेनर्स हैं उनको वहाँ पे ज़्यादा लगता है, और आउटसाइड के कम अंदर के ज़्यादा। तो अंदर जाकर जो है आपको फ़ोटोग्राफी करना भी बिल्कुल मना है, तो हम अंदर गए नहीं। मतलब हमने देखा था बहुत टाइम पहले जब हम गए थे। तो इसकी जो लेफ़्ट और राइट में गार्डन है दोनों ओर, और लेफ़्ट साइड तो हम चले गए थे, वो हमने अच्छी तरह से देखा। और यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स थे, और उनको फ्लावर्स को इन्होंने बहुत अच्छी शेप में काटा हुआ था। जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए थे बहुत बढ़िया लग रहे थे। और जो राइट साइड का गार्डन था वो बंद था, और वहाँ पे भी मतलब व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हमने बहुत पहले देखा था जैसा जैसा मुझे याद है, बाकी अब पता नहीं। वैसे ओवरऑल बहुत मस्त था, मस्त। यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आए होते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांट सेल के लिए भी है, तो आप यहाँ से ले भी सकते हो बहुत सारे। यहाँ पे जाके हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की थी,
और बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी। और यहाँ के पेड़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो इसकी मेंटेनेंस कितनी अच्छी तरह से होती है। जब कभी आप लोग शिमला विज़िट करते हैं तो एडवांस स्टडी ज़रूर आएँ, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब यहाँ पे आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मॉल से भी ये 3 किलोमीटर दूर है, नज़दीक ही है। जो एक ग्रीनरी है ना लॉज के बाहर चारों ओर बीच में, तो इसमें अंदर जाने के लिए भी मना किया होता है। गार्ड अंकल यहाँ पे खड़े होते हैं, जैसे ही कोई अंदर घुसता है तो वो सीटी पे जाके बाहर निकल जाते हैं, निकाल देते हैं उनको जल्दी से। और इसमें जो है साइड साइड वाले रास्ते में पत्थर लगाए हैं, छोटे छोटे पत्थर रखे हैं जो इस लॉज के नज़दीक हैं, तो इनको रखने का भी कुछ रीज़न होगा। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि चोरों से बचने के लिए, जैसे मतलब रात को चोर आते हैं तो उनसे बचने के लिए वाले पत्थर रखे होते हैं, आवाज़ आ जाती है इससे, इसीलिए। तो गाइस यहाँ की सीनरी जो है इतनी ज़्यादा बढ़िया थी ना, बहुत ही ज़्यादा। आपको भी यहाँ पे अगर आप शिमला में ज़रूर जाएं, जो हमारी तरह होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा तो। और अभी हम खाएंगे कुछ नीचे, जो भी हमें मिलेगा वहाँ पे नीचे, जब हम ऊपर एंट्री गेट के पास वहाँ पे स्टॉल लगी थी बाहर को, वहाँ पे हम कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। मोमोज खा लो गाइस। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम वापस, और अब जा रहे हैं समर हिल से सैंटी रोम। ओके, तो इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आपको भी मज़ा आया होगा एडवांस स्टडी देखने का, इतने अच्छे अच्छे है, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब वहाँ का जो सीन था ना, मस्त बिल्कुल, मतलब इतना वाव सीनरी। हाँ वही। तो गाइस अभी हमें मिले हैं जतिन भैया, और इनके साथ जा रहे हैं हम समर हिल तक। जतिन भैया हेलो। हिमाचल प्रदेश लाइब्रेरी चाय पार्टी। हाँ जी, लंच टाइम।